दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काजल ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं काजल सिंह। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है जनरल साइंस, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पता ही है कि साइंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम हो गया या एसएससी का एग्जाम हो गया। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए हम जनरल साइंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो हम पार्ट बाय पार्ट आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चंस का भंडार लेकर के आएंगे और उन्हें याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक स्टिक रहे। इतना सारा वास्ट सिलेबस होता है, इतना कुछ पढ़ना होता है, तो हम एक ही पोर्शन पर बहुत सारा टाइम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप हमारी वीडियोज़ को देखिए और एक ही बार में आपको सारे फैक्ट्स और सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम चालू करते हैं हमारा आज का जीके ट्रिक, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड और फैक्ट्स को जानें और हम एक दूसरे से उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आरएनए का मुख्य कार्य। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो है प्रोटीन का निर्माण करना। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो किसके थ्रू होता है? आरएनए के थ्रू होता है। आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप प्लीज़ दोस्तों नोट्स बनाते चलें और इसे साइड में कहीं पर भी अपने हिसाब से लिखते चलें। जरूरी नहीं कि आप पूरा लाइन लिखें, आप शॉर्टकट में जैसे आपको समझ में आ सके वैसा लिखें, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक से दो बार वीडियोज़ को ज़रूर देखें। एंड हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब चैनल को लाइक करते हैं उससे ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को याद करिए पिटाई। जब भी हमें लगता है ओ तेरी पिटाई होने वाली है, पिट्यूटरी ओ तेरी पिटाई, तो सबसे पहले ये ख्याल कहाँ आता है? जाहिर सी बात है दिमाग में ही आता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। साथ ही साथ जो हमारे ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दोस्तों, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और मास्टर मतलब हमारे पूरे बॉडी का मास्टर आप कहाँ समझेंगे? दिमाग को ही समझेंगे, दिमाग, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो एक प्लांट है जिसका नाम है सिंकोना, उससे हमें कुनेन मिलता है, और ये कहाँ होता है? तने की छाल में होता है। ये बहुत ही फेमस दवाई भी है। आपको अगर याद आ रहा हो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो है कुनेन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली दक्षिण अफ्रीका मूल का पौधा है, और जब वहाँ पे बाहर से ईसाइयों ने आए थे वो, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों को मलेरिया इस प्रकोप से वो बच रहे थे, जबकि वहाँ पे मच्छर भी बहुत थे। तो उन्होंने देखा कि आखिर ऐसा क्या है, तो वहाँ के जो लोग थे इस प्लांट के छाल को उबाल करके पीते थे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी फैक्ट बताते जा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें स्टिक हो जाए। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कब होता है तेज, कौन से लाइट में होता है? तो लाल प्रकाश में। अब आप बोलेंगे लाल प्रकाश पीला प्रकाश ये क्या है? तो ये है, जो कि नॉन साइंस स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूँ, बहुत ही बेसिक सा है। आपने इंद्रधनुष देखा ही होगा, है ना, सेवन कलर्स। तो जो हमारा मेन लाइट होता है वो सेवन कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो उस उन्हीं वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनको सातों कलर में कैटेगराइज करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो एक पेड़ है, आप पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाएंगे? तो पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ये जब द्वितीयक वृद्धि होती है पेड़ों में, आप जब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि हर ईयर इसमें क्या होता है, एक वलय का निर्माण होता है। और चूंकि इस वलय का निर्माण ईयरली होता है, तो हम इसे काउंट करके एक पौधे की एज का अनुमान लगा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमें ऑक्सीजन मिलता है उसका मेन सोर्स क्या है? हमें लगता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और उसी CO2 को तोड़ करके O2 दे देते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। 6 मोल CO2 और 6 मोल H2O के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो एक्चुअली में वाटर से आ रहा होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से।
हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? एसिटिलीन। सॉरी, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन आप लोगों ने सुना ही होगा मार्केट में। जब भी आम का सीज़न आता है तो सीज़न शुरुआत होने से पहले ही मार्केट में पके हुए आम आ जाते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? उसमें एसिटिलीन जो है होती है, उस वजह से जो फल होते हैं वो बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आप लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधों को अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, और ये जो नाइट्रोजन है इन लोग डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ग्रैब नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में, जो लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्थिरीकृत करके नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और ये मिट्टी में होते हैं। आपने देखा होगा ये लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट में नोड्स पाए जाते हैं उनके अंदर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक सहजीवी का एग्जाम्पल है। पेड़ पौधों से राइजोबियम को पोषण मिलता है, और राइजोबियम जो प्रोडक्ट बनाता है उससे पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। तो क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में स्थिरीकृत करते हैं, और प्लांट जो होते हैं जमीन से ही सारा कुछ लेते हैं, तो पानी के थ्रू ये नाइट्रेट पेड़ पौधों को मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कहीं पर भी अगर उर्वरा शक्ति कम हो रही है मिट्टी की, तो पहले लेग्यूमिनस प्लांट उगाए जाते हैं, वहाँ पर उसकी खेती की जाती है, दाल वगैरह, और उसके बाद फिर जो भी जनरल फसल उगाए जाने हैं वो। तो होप सो मैं इतने सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ तो आपको याद होते जा रहा होगा साथ में। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं इससे रिलेटेड, इस ऑयल में इतना फैट है, उस ऑयल में उतना फैट है। मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20-30 जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। जब हमारे पहले दूध के दांत आते हैं तो पूरे 32 दांत नहीं आते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। टॉक्सिन से तो अंग्रेजी वर्ड है, आप लोगों को पता ही होगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसिन। कैसिन को कैसे रिलेट करेंगे आप? तो आपने देखा होगा कि हम जब भी दूध को बॉइल करने के लिए रखते हैं तो हमें उसे लगातार सीन करते रहना पड़ता है। कितने बार हम उसे सीन करते हैं कि बस दूध उबल के गिर ही ना जाए। अगर आप 0.05 सेकंड में दूध को वॉच कर रहे हैं और 1 सेकंड के लिए भी नज़र हटी, उतनी ही देर में दूध उफन के नीचे गिर जाता है। एंड आप सभी के साथ हुआ होगा जिन भी लोगों ने किचन में पैर रखा होगा। तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे कि दूध को बार बार स्टीम करना पड़ता है ताकि वो उबल कर गिर ना जाए? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसे? मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, ऑब्वियसली घटेगा क्योंकि उस समय बॉडी शांत है, शिथिल अवस्था में है, तो हृदय को भी उस समय कोई हड़बड़ी नहीं होती है। तो जब हमारा हार्ट आराम से शांति से काम कर रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या रहता है, घटा ही रहता है। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है, प्लांट्स में पाया जाता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में रहती है। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है, इसका आंसर आप लोग देंगे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत ही कॉमन सा इजी सा आंसर है, अगर आप इसके फुल फॉर्म में जाएंगे तो ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। येगा रोग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसके कारण होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में, जो कि एक बटरफ्लाई शेप का होता है, उसके एक बढ़ने के कारण येगा रोग होता है। इसमें जो गले में स्वेलिंग आ जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी ऑफकोर्स जबड़े की ही होगी, क्योंकि हम जबड़े से कितना कुछ चबाते हैं, अखरोट खाते हैं, चना खाते हैं, और ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उस अगर हम इन चीज़ों को तोड़ पा रहे हैं तो किसके थ्रू? जबड़े के थ्रू। तो जो सबसे मजबूत मांसपेशियाँ हैं ये जबड़े की होती हैं। कुछ क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो एंटीबायो यानी कि जो बैक्टीरियाज को हमें मारना है या हमारे बॉडी के अंदर जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवा रही हैं तो उनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ को ख़त्म करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक दवाई को ऐसा नाम दिया गया है, क्योंकि ये होती है एंटी प्लस बायो। आगे बात करते हैं, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। अब आप कैसे याद रखेंगे ग्लाइकोजन, जो नॉन साइंस स्टूडेंट होंगे उनको कैसे याद रहेगा? तो आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिख रहा है, भोजन ग्लाइकोजन, भोजन ग्लाइकोजन, तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। जस्ट आपको
मल्टीपल चॉइस में देख करके टिक ही तो करना है। आगे बात करते हैं कि कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 6 हड्डियाँ होती हैं। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फूल। ये भी आप लोग एकदम बेसिक साइंस का है, अगर आपने 9th-10th में पढ़ा है तो आपको बिल्कुल याद होगा। ये शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके थ्रू होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। लाल रक्त कोशिकाओं आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे ब्लड का कलर भी जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है। और इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन मेटल पाया जाता है। और आयरन का जो कलर होता है वो रेड होता है, दैट्स व्हाई हमारा जो ब्लड होता है वो कौन से कलर का होता है? लाल कलर का होता है। और इससे और भी क्वेश्चन बन जाता है कि खून के लाल रंग का कारण क्या होता है, तो आपको पता है आयरन की उपस्थिति ही क्या करती है? खून को लाल रंग का बनाती है। और आयरन की उपस्थिति सिर्फ हमारे ब्लड को ही लाल कलर की नहीं बनाती है, एक और जगह है जहाँ पर लाल कलर होता है, याद करिए, लाल ग्रह। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो मंगल है जिसको हम लाल ग्रह से जानते हैं, उसकी मिट्टी में भी सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? आयरन की पाई जाती है। और लास्ट सवाल फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था कि आयरन का मेन काम क्या है, आप लोगों को पता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज। होप सो गाइस आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। हम आगे और भी साइंस की सीरीज लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और भी किसी वीडियोस पे चाहिए आपको टॉपिक पे वीडियोस, तो प्लीज़ हमें लिख भेजें कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।